लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्यांश 9-6 से। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया, किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। कृपया बैठ जाइए। पल्ली पुरोहित और फादर यूनिवर्सल को, दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए, और आप लोगों को यहाँ इतने उत्सुकता से, इतने तैयारी के साथ देखकर मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज के ये सुसमाचार के भाग जो हमने अभी सुना, ये आज हम लोगों ने मिस्सा में भी सुना होगा। ईश्वर हम लोगों से फल चाहता है। कुछ साल पहले मैंने एक मैगजीन, शालोम मैगजीन करके एक मैगजीन आता है केरल से, और उस मैगजीन में एक व्यक्ति का साक्ष्य पढ़ा। जॉनी नामक व्यक्ति है, उनकी जीवन की कहानी है, और वे कहते हैं कि सन 1951 में अंजीर के जैसे एक पेड़ के रूप में मैं भी लग गया इस संसार में, और उसके बाद मैं कलीसिया से, समाज से, अपने परिवार से जो भी मिल सकता है वो सब लेता रहा और बड़ा होता गया। लेकिन बड़े होने के बावजूद मैं कोई फल उत्पन्न नहीं किया। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा एक शराबी था, बहुत पीता था, और इसीलिए परिवार में उनके वजह से अशांति रहती। और कहता है एक दिन वे अपने काम पर जाता है, रोजाना के जैसे काम पर निकलता है घर से, और उनके बच्चे उनसे कहते हैं, पापा जी कम से कम आज आप बिना शराब पिए समय पर शाम को वापस घर आए। उन्होंने उनके अनसुना की और चले गए काम पर, और वापस आते समय, काम से लौटते समय एक मूवी के लिए गए रात को, और देर रात मूवी से जब बाहर निकले, देर रात को खूब शराब पीकर वे लड़खड़ाते हुए घर के तरफ आ रहे थे। और रास्ते में उसको एक सांप ने काटा और तुरंत वो गिर पड़े। सांप जहरीला है और इस वजह से वे गिर पड़े, बहुत दर्द सह रहा था, और अचानक वहां से एक व्यक्ति, अच्छा आदमी गुजर रहा था, वो उन्होंने इनको उठाया, तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया दूसरों के मदद से, और उनके घर पे फोन कर दिया, और इनके घर से उनके भाई वगैरह आए। डॉक्टर लोगों ने देखने के बाद बताया कि ये बचेगा नहीं, एक तो शराब की नशा इतने भर चुके हैं उसके अंदर, उसी के वजह से वो कमजोर है, और उसके ऊपर से सांप के जहर, और इसलिए अब ये बच नहीं सकता, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन इनके भाई, इनकी बीवी सब ने बहुत प्रार्थना करने लगे, और उसके बाद उन लोगों ने डॉक्टर से मदद मांगी कि कुछ करिए। तो डॉक्टर देख रहा था कि एक ही डोज एंटीवेनम, एंटीवेनम क्या होता है, जो जहर को
नाकाम करने वाला जो दवाई होता है वो एंटीवेनम का एक ही डोज है अस्पताल में बचा हुआ, और बताया कि वो इस पर खर्च करना बेकार होगा क्योंकि ये व्यक्ति का बचना अभी नामुमकिन है, ये सांस भी नहीं ले पा रहे, पूरी तरह बेहोश है, अब ये बचेगा नहीं, और ये वेनम ऐसे मिलता नहीं, एंटीवेनम ऐसे मिलता नहीं है, मुश्किल से मिलता है, इस पर खर्च करना वेस्ट करना हम नहीं चाहते। पर इनके जो भी रिश्तेदार थे उन सबों ने डॉक्टर के पास बहुत जोर लगाया और आखिरकार कुछ एक्स्ट्रा पैसा वगैरह देने से डॉक्टर ने मान लिया और उसको वो दवाई दिए। और ये व्यक्ति कहता है, जॉनी कहता है कि उनको लगा कि ईश्वर उनके पास है और प्रभु येसु उनके लिए, जो व्यक्ति ने बाइबल तब तक ठीक से पढ़ा नहीं है, वो व्यक्ति को लगा कि प्रभु येसु उनके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि इनको काटो मत अभी, एक और मौका दीजिए, अगले साल तक अगर ये व्यक्ति फल उत्पन्न नहीं करे तो इसको हम काट डालेंगे। और ये कहता है कि उस बीमार अवस्था में उसको ऐसी एक सीन दिखाई दिया और धीरे धीरे उसका हालत सुधरने लगा और ठीक हो गया। चंगा होने पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप जाकर पल्ली पुरोहित को बुला के आइए, मुझे पाप स्वीकार करना है। और पल्ली पुरोहित वहां आ जाते हैं, उनकी पाप स्वीकार सुनते हैं और उसके बाद उसको परम प्रसाद देते हैं, मिस्सा बलिदान के लिए उसे ले जाते हैं और वो व्यक्ति एकदम नया जीवन का अनुभव करते हैं। और वे कहते हैं कि जब सांप ने काटा था उस समय मेरे जड़ों पर कुलाड़ी मार दिया था, लेकिन वहां से प्रभु यीशु मसीह के विनती की वजह से, मेरे रिश्तेदारों के प्रार्थना की वजह से मुझे एक और मौका दिया गया है और मैं दृढ़ संकल्प करता हूं कि मैं अब से फल उत्पन्न करने वाला व्यक्ति बनूंगा अपने जीवन में। और वे कहता है, घर आया, बाइबल खोला, पहली बार शायद उन्होंने बाइबल खोला तो उसके सामने जो बाइबल का वाक्य आया वो ये था, संत मत्ती के सुसमाचार के 3:10, जहां लिखा है, अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। और वो व्यक्ति कहता है, मेरा ये कंडीशन था और यहां से आज मुझे जीवन प्राप्त हुआ है और मैं ये दृढ़ निश्चय करता हूं कि आगे से मैं अपने जीवन को फलदायी बनाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को इस दुनिया में इसलिए लाया गया है, बनाया गया है ताकि हम फल उत्पन्न करें अपने जीवन में। और ये फल हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, क्यों उत्पन्न करें? क्योंकि हम लोगों को जो भी जरूरत है वो सब दिया गया है। हमको एक ईसाई परिवार में जन्म दिया और उस परिवार से हमने बहुत कुछ पाया अपने जीवन के लिए, और समाज से हमने बहुत कुछ पाया, कलीसिया से हमें बहुत कुछ मिला, संस्कार मिला, पवित्र ग्रंथ से हमें पवित्र वचन की मदद मिले। ये सब मिलने के बावजूद अगर हम फल उत्पन्न नहीं करेंगे, ईश्वर के अनुरूप हम अपने जीवन को नहीं व्यतीत करेंगे, तो हम उस पेड़ के, अंजीर के पेड़ के जैसे हैं जो भूमि को छेक रहे हैं, अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। और अपने जीवन को व्यर्थ करना या व्यर्थता अपने जीवन में लाना, इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाना, सर्वनाश की ओर ले जाना। और इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करें। और यही प्रभु यीशु हर बार अलग अलग जगह पर सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि हम सबों से फल की कामना करते हैं। और ये
फल किस प्रकार हम उत्पन्न कर सकते हैं? सबसे पहले फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु यीशु हमें बताते हैं संत योहन के सुसमाचार में 15वां अध्याय में 5वें वाक्यांश में प्रभु हमसे कहते हैं कि किस प्रकार हम फल उत्पन्न कर सकते हैं। मैं क्या हूं? संत योहन के अध्याय के सुसमाचार के 5वां 15वां अध्याय में क्या कहता है, किस चीज के बारे में बताते हैं? मैं क्या हूं? मैं दाखलता हूं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं वह फल उत्पन्न करता है, फल देता है। तो फल देने का एक कंडीशन यह है कि हम प्रभु यीशु से जुड़े रहे, हम डालिया बनकर उस दाखबारी में, उस दाखलता में बने रहे, तभी हम फल उत्पन्न कर सकते हैं। और जब तक हम उस दाखलता से अलग होकर जीने की कोशिश करेंगे तब तक हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते। पुराने व्यवस्थान में हमने पढ़ा बाबुल के जो मीनार, बहुत लंबा सा मीनार बनाने की कोशिश किया, वहां के लोगों ने बताया कि हम सीधे स्वर्ग पहुंचेंगे, इस मीनार के द्वारा हम स्वर्ग पहुंचेंगे। घमंड में आकर लोगों ने मीनार बनाना शुरू किया और हमें मालूम है उनके साथ बाद में क्या होता है, वो तितर बितर हो जाते हैं, वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर से अलग होकर कुछ हासिल करना चाह रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में साफ लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फल उत्पन्न करना है तो सबसे पहले हमें करना है कि हम प्रभु से जुड़े रहे, प्रभु यीशु मसीह से हम जुड़े रहे। तो आज के दिन हम सबों को ये कोशिश करना है, मनन चिंतन करना है, क्या मेरे परिवार में, मैं व्यक्तिगत रूप में और पारिवारिक रूप में, या क्या हम लोग प्रभु से जुड़े रहते हैं? कोई भी कार्य हम करते हैं तो क्या हम प्रभु से सलाह मशवरा करते हैं, उनसे लगे हुए हैं हमारे परिवार? अगर नहीं है तो आज समय है, प्रभु हमें मौका दे रहे हैं बार बार कि हम प्रभु से लगे रहे ताकि हम फल उत्पन्न कर सके। और ये हम सबों के जीवन के लिए जरूरी है, ना केवल आप परिवार वालों के लिए, बल्कि हम जो पुरोहित है, जो धर्म बहने हैं, जो भी है, सबों के लिए। जिस दिन हम प्रभु से अलग होने की कोशिश करते हैं उस दिन हमें पता चलता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें ईश्वर की कृपा नहीं होता है और हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है हम लोगों को प्रभु से जुड़े रहना फल उत्पन्न करने के लिए। और दूसरी बात फल उत्पन्न करने के लिए है कि पश्चाताप करना, पश्चाताप करना और पाप से दूर रहना, ये दूसरी बात है और बहुत बहुत जरूरी बात है कि हमें पश्चाताप करना है। और पश्चाताप किस प्रकार करना है कि हमने जो गलतियां की उसके बारे में हमें शर्मिंदा होना है और उन गलतियों को दोबारा नहीं करने की, फल नहीं उत्पन्न करने की जो गलती हम लोगों ने किया, उस व्यक्ति के जैसे जोनी जिसने यह निर्णय लिया कि मैं आगे से अपने जीवन में फल उत्पन्न करूं, शराब पीने का जो आदत था उसका, उसको पूरी तरह उन्होंने छोड़ दिया ताकि उसके परिवार में उससे जो फल आए वो लोग एंजॉय कर पाए, ताकि उनके अपने जीवन में उससे जो फल आए वो एंजॉय कर पाए। तो उस तरीके से हम लोगों को भी निर्णय लेना है, जो भी कार्य मैं करता हूं जिसके वजह से मैं फल उत्पन्न नहीं कर पाता हूं, उन कार्यों को मैं छोड़ दूंगा। और ये पश्चाताप का मतलब है। पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि हाँ मैंने पाप किया मुझे माफ कर दीजिए और मैं फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा पाप में गिरने के लिए अपने आप को तैयार रखें,
नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प करें कि आने वाले दिनों में उन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा। तो ये पश्चाताप हमारे लिए जरूरी है फल उत्पन्न करने के लिए। प्रभु येसु, हम देखते हैं सुसमाचार में, पापी के लिए, एक पापी के लिए जो रास्ता भटक कर जाते हैं, उस पापी के लिए कितनों को छोड़ दिया रास्ते में? 99 को रास्ते में छोड़कर वो एक के पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए ये आनंद की बात है कि एक व्यक्ति पश्चाताप करके उनके पास लौट आता है। तो जरूरी यह है कि हम प्रभु के क्षमा प्रदान करने की जो क्षमता है, उस बात को समझते हुए हम पाप से दूर चले जाएं और वापस सच्चाई के जीवन में वापस आने की हम कोशिश करें, और प्रभु हमारे लिए आनंद मनाते हैं। पापी के लिए, उस पापी के लिए आनंद मनाते हैं जो लौट आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज हम लोगों को भी यह निर्णय करना है कि जो भी कार्य मैं करता हूं या करती हूं, जिसके वजह से मैं ईश्वर से दूर हो रहा हूं, जिसके वजह से मैं फल उत्पन्न नहीं कर पा रहा हूं, उन सभी बातों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, ताकि प्रभु मुझे वापस अपने सीने से लगाएं, प्रभु मुझे वापस अपने जीवन के हकदार बनाएं। और ये कृपा के लिए हम लोगों को आज के दिन प्रार्थना करना है। कई लोगों को हम लोगों ने देखा है जो पश्चाताप करते हैं सुसमाचार में। उड़ाव पुत्र के जो दृष्टांत है, उसमें जब उड़ाव पुत्र पश्चाताप करते हुए जिस नरक की अवस्था में वो जी रहे थे, वहां से उठकर मैं जाऊंगा अपने पिता के पास, जब वो कहता है, जब वो तैयार हो जाते हैं पश्चाताप करने के लिए और उसके लिए कदम उठाते हैं, एक नए जीवन की तरफ कदम उठाते हैं। ना केवल वो उसको बुरा लगता है अपने दुर्गति पर, बल्कि उस दुर्गति को सुधारने के लिए वो कदम उठाते हैं, वहां से चल पड़ते हैं अपने पिता की ओर। इसी को हम पश्चाताप कहते हैं, ये चल पड़ना, अपने पापमय अवस्था से उठना और वहां से पिता की ओर, ईश्वर की ओर चलना, ये जरूरी होता है। और इसके लिए हम लोगों को आज दृढ़ संकल्प करना है। और यही बात हम देखते हैं जकेउस के जीवन में। जकेउस के पास जब प्रभु येसु मसीह पहुंचते हैं, बहुत बड़ा पापी है, इस पब्लिक सिनर, सबको मालूम है वो पापी है, वो समाज में तिरस्कृत व्यक्ति है, बावजूद उसके प्रभु येसु मसीह उसके घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। और इस वजह से एक पापी को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, ये हम देख सकते हैं क्रूस से। क्रूस पर टंगे हुए प्रभु को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं एक पापी को बचाने के लिए प्रभु येसु मसीह किस हद तक जा सकता है। और वही प्रभु जकेउस के घर चले जाते हैं और वहां प्रभु से मिलने के बाद, प्रभु के साथ समय बिताने के बाद, जकेउस एक निर्णय लेता है कि जो भी मैंने लोगों से ठगी से मैंने लोगों से हासिल किया है, वो सब उसका 4 गुना मैं लौटाने के लिए तैयार हूं। ये पश्चाताप होता है। पश्चाताप का मतलब है उस पापमय अवस्था से उठकर उसके लिए प्राश्चित करने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं। आज हम सबों को अपने आप से कहना है कि मैं प्राश्चित करने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने मुझे एक और मौका के लिए आमंत्रित किया है और मैं प्राश्चित करने के लिए तैयार हूं। मैं वापस आने के लिए तैयार हूं, ताकि प्रभु मुझसे भी कहें, आज इस व्यक्ति के जीवन में, आज इनके घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। ये प्रभु को हम में से हर एक को देखकर बताना है, और बताना है तो हमें उससे पहले प्रभु से कहना है, जो भी कार्य, जो भी गलतियां मैंने की है, उसको सुधारने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूं, ताकि प्रभु की जो मुक्ति है, जो रक्षा है, वो मेरे जीवन में उसका आगमन हो जाए। तो इन सब बातें जो सुसमाचार में लिखा है, लोगों के जीवन में जो घटित हुए हैं, वो सब हम लोगों को बार बार ये याद दिलाते हैं, हमें मुक्ति की ओर चलना है तो फल उत्पन्न करना है।
फल उत्पन्न करने के लिए हम लोगों को प्रभु के साथ लगे रहना है, उनसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उसके लिए पश्चाताप करना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। और पश्चाताप करने का मतलब है अपने पापमय अवस्था से उठकर पिता परमेश्वर की ओर चलना है। और तीसरी बात है, फल उत्पन्न करने के लिए तीसरी जरूरत है, हम दूसरों की गलतियों को माफ करें। दूसरों की गलतियों को हम माफ करें। प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर को माफ कर देते हैं कि इसको एक और मौका दीजिए। वो जो माली है, माली कहते हैं मालिक से कि इनको एक और मौका दे देते हैं, मैं खाद डालूंगा, इसके चारों तरफ खोद कर इसमें खाद डालूंगा और उसके बाद एक साल हम और देखते हैं, अगर ये फल उत्पन्न नहीं करते हैं तो हम काट डालेंगे। तो ये एक और मौका देते हैं, मतलब अभी तक जो फल उत्पन्न नहीं किया उसको माफ करने के लिए, क्षमा प्रदान करने के लिए हम तैयार है, प्रभु यीशु मसीह तैयार है। और यही एटीट्यूड हम लोगों से भी चाहते हैं कि हम भी दूसरों की गलतियों को माफ करें। हमारे जीवन में हम बहुत सारे लोगों से संबंध रखते हैं, अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने पापा से, मम्मी से, अपने पति से, पत्नी से, अपने समाज में, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से, कलीसिया में हमारे लोगों से, सबसे हम किसी न किसी रूप से संपर्क में आ जाते हैं। लेकिन क्या हम अपने जीवन में इन सबों को, उनकी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार होते हैं? वो व्यक्ति के जैसे हैं हम जो जिनके हजारों अशरफियां माफ कर दिया उनके उनके मालिक ने, हजारों अशरफियों की जो ऋण थी वो सब माफ कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति जब बाहर जाता है एक अशरफी के जो ऋण है उसके लिए उनको कारागृह में डाल देते हैं, क्या हम उस तरह के लोग हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर हमारे बहुत सारे गलतियों को माफ करने के बावजूद हम अपने आस पड़ोस में रहने वाले, अपने परिवार में रहने वाले, अपने समाज में रहने वाले लोगों के छोटी सी छोटी गलतियों को क्षमा करने में हमें दिक्कत होते हैं? क्या हम उस प्रकार के लोग हैं? अगर हैं तो हमें वहां से और आगे जाना है, हमें सबकी गलतियों को माफ करना है। क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि क्योंकि प्रभु यीशु क्यों प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा प्रदान कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अक्सर यही होता है, दूसरे लोग नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और इसी वजह से हमें उनकी गलतियों को माफ करना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर नहीं जानते हैं कि वो गलती कर रहे हैं। अगर जानते भी है तब भी हमें दूसरों की गलतियों को माफ करना है, क्योंकि हमारे गलतियों को प्रभु यीशु माफ करते हैं। हम हे पिता हमारे प्रार्थना में रोज बताते हैं, जैसे हम अपने लोगों की गलतियों को माफ करते हैं वैसे हमारे भी पापों को माफ कर दीजिए। तो ईश्वर से क्षमा याचना, माफी मांगना हमारे लिए तभी जायज है जब हम सबसे पहले दूसरों की गलतियों को क्षमा प्रदान करें। एक कहानी है, एक गांव में एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को मार डालता है, कुछ गलती हो जाते हैं उनसे और उनको मार डालते हैं, गुस्सा में आकर उसको मार डालता है और मारने के बाद वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है, भागकर अगले गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए और उसको भी मार डालने के लिए, क्योंकि उन्होंने गलती की। उसके पीछे ये लोग दौड़ते हैं और वो अगले गांव में पहुंच जाते हैं और वहां के लोग उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और यहां से लोग जब सारे औजार लेकर आते हैं इनको मारने के लिए तो वो लोग पूछते हैं, वहां के लोग बताते हैं कि उसको, वहां के सबसे बूढ़ा जो व्यक्ति है वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर आके इन लोगों को जिनके हाथ में औजार है उनसे बताते हैं कि हम लोगों ने उसे माफ कर दिया है, आप भी उसे माफ कर दीजिए।
उन्होंने जो गलती किया उसे माफ कर दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने उनको मारने के लिए आया औजार सब लेकर, उन लोगों ने बताया आपको मालूम नहीं इन्होंने कितनी घिनौना हरकत किया है, कितनी घोर पाप किया है, वो बताएंगे तो आप भी इसे छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या किया है, तो उन लोगों ने बताया कि इस व्यक्ति ने आपके पोते को मारा है। उन्होंने जो कत्ल किया वो किसका कत्ल किया, आपके आपके कोई सुन नहीं रहा है, आपके हाँ पोते का कत्ल किया है। तब ये बूढ़ा व्यक्ति एकदम हिल जाता है ये जान करके उसका पोता मर गया है, और वो हिलते हुए उस व्यक्ति को अंदर से बुलाते हैं जिन्होंने मार डाला था, उस व्यक्ति को अंदर से बुलाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मेरा पोता अभी इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया, आज से तुम मेरा पोता हो, और उस व्यक्ति को गले लगाकर उसके अपने गांव में रखते हैं अपने पोते के समान, और इन लोगों को जाने के लिए इशारा करते हैं। माफी देना, क्षमा प्रदान करना इसको कहते हैं, कि किस हद तक मुझे जाना पड़े मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा, सबके गलतियों को मैं माफ करूंगा। ये बहुत कठिन काम है, जरूर है, बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है, पर इस कठिन काम के लिए प्रभु यीशु ईश्वर हम लोगों को इस चालीसे के समय में बुलाते हैं। अगर तुम मेरे अनुयायी बनना चाहते हो तो मुझ जैसे बनना है, और मैंने क्रूस पर उतने घोर पीड़ाओं के बीच में भी मैंने अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया जो मुझे सता रहे थे, और यही कार्य हमें भी अपने जीवन में करना है, सबके गलतियों को माफ करना, लोगों को क्षमा प्रदान करना, ताकि हम फल उत्पन्न कर सके। तो फल उत्पन्न करने के लिए जो तीन बातें मैंने बताया, सबसे पहले ईश्वर से जुड़े रहना, क्योंकि ईश्वर कौन है, दाखलता है और हम डालियां, और दूसरी बात है, दूसरे क्या करना है, हमें पश्चाताप करना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, और पश्चाताप करने का मतलब यह नहीं कि मैं पाप स्वीकार के लिए गया सब ठीक हो गया, नहीं, पश्चाताप करने का मतलब है पाप स्वीकार करने के बाद मुझे ईश्वर में लगे हुए जीना है, मतलब मुझे जो भी गलतियां मैं करता था आज तक उसे आगे से नहीं करने के लिए मुझे कोशिश करना है, ये पश्चाताप का मतलब है। उस उड़ाव पुत्र का तस्वीर हमारे मन में आना है, वहां से उठकर वो जाते हैं कि मैं अपने पिता की तरफ जाऊंगा, जके उसके तस्वीर हमारे सामने आना है कि मैं जो भी ठगी से लोगों से लिया उसका चौगुना वापस करूंगा, ये तस्वीर हमारे सामने रहना है जब हम पश्चाताप के बारे में बताते हैं। और तीसरी बात क्या है, हमें क्या करना है, हैं क्या करना है, तीसरी बात अभी जो मैंने बताया, क्षमा करना है, माफी देना है लोगों को, उनके पापों को, उनके गलतियों के लिए लोगों को, सबको हमें एक दूसरे को माफी प्रदान करना है। आइए हम आज इस सुसमाचार के इस भाग को और अच्छी तरह आज के दिन मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु के समक्ष ये दृढ़ संकल्प करें कि हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करेंगे, और जो भी कार्य फल उत्पन्न करने के लिए आड़े आते हैं, हमारे सामने आते हैं, उन सबको हटाने के लिए हम तैयार हैं। आमीन। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हमारे आज के वक्ता फादर जेकब को, बहुत ही स्पर्श करने वाला वचन हमारे समक्ष रखा है अपने आप को जीवन बदलने का। आइए इस संदर्भ पर उसी प्रभु की स्तुति करें जो हमेशा हमारा साथ रहते हैं, हमारा पक्ष लेते हैं, भले ही हम पापी हैं, भले ही हम बुरे हैं, गंदे हैं, प्रभु हम जैसे हैं वैसे ही हमें चाहते हैं। उस मालिक से हम अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाते हुए अपने परिवार में जो समस्या है, हमारे आंखें बंद करते हुए उस प्रभु के समक्ष अपने परिवार की दशा को, अपना टूटापन को, अपने जीवन में जो अधूरा कार्य है, कितने ही लोगों के पास नौकरी नहीं है, बिजनेस चौपट है, इनकम नहीं है, परिवार में फूट आई है,
इन सभी दुख की घड़ी को लेकर उस प्रभु के और आगे बढ़े। आइए गीत के साथ हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए उस प्रभु की आशीष मांगे।